रोहित शर्मा धीरे धीरे मेरे तो मनपसंद कप्तान बनते जा रहे हैं। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच में कई सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो हम इंडियन फैंस को हमेशा याद रहेंगे, और इन मूवमेंट्स ने हमें इंडियन टीम का और दीवाना बना दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी टूर्नामेंट के मैच में इंडिया ने 20 साल बाद हराया था। कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे भी थे जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। उनमें से एक था कुलदीप यादव का 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बॉलिंग करना और डैरिल मिचेल को वो बॉल जाके हाथ में लग पड़ना, जिस पर रोहित शर्मा की हंसी रुकी ही नहीं, वो हंसते ही चले गए। दरअसल हुआ यूं था कि कुलदीप यादव ने 5 ओवर्स डाली थी जिसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली थी। अब फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने इतनी तेज गेंद डाली कि सामने डैरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें ये गेंद हाथ पर जा लगी पड़ी। अब इस पर रोहित शर्मा का डायरेक्ट रिएक्शन हंसी निकलना था, वो हंसते ही चले गए। वैसे कुलदीप यादव हमारे कुछ कम नहीं है, उन्होंने इंडिया की वर्ल्ड कप 2023 की 5 मैचों में 8 विकेटें ले ली है, और अब कुलदीप यादव वर्ल्ड कप 2023 के वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव इस बार सबसे ज्यादा विकेट्स लेंगे और मेडल जीत जाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।